हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल डायमंड सुपर स्टडी क्लासेस। माय सेल्फ अभिषेक मौर्य। और जैसा कि आप लोगों को मैंने क्लास ट्वेल्थ का मतलब कि आप लोगों को ऐसे कैसे लिखना है ये आप लोगों को बताया था, तरीका लिखने का तरीका बताया था। और आज मैं आप लोगों के लिए कोरोना वायरस पर ऐसे लेकर आया हूँ जिसको COVID-19 भी कहा जाता है। तो गाइज, आप लोगों को ये जो आप लोगों को कोरोना वायरस पर ऐसे लिखना है वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। पिछली बार तो एग्ज़ाम नहीं हुए थे, लेकिन इस बार एग्ज़ाम है तो आना ज़रूर है। तो इनको एकदम अच्छे से याद कर लीजिएगा और ये आप लोग एग्ज़ाम में लिख आएंगे। 10 नंबर का आप लोगों का ऐसे रहेगा। तो जैसा कि आप लोगों को बताया था कैसे लिखना है, तो जैसा कि पहले आप लोगों को आउटलाइन डालना है ना, टॉपिक आप लोग डाल देंगे, उसके बाद आउटलाइन मतलब रूपरेखा डालना है, फिर उसके बाद जो भी हेडिंग्स रिलेटेड हैं आप लोगों को उन हेडिंग्स को ब्लैक पेन से लिखेंगे, ये ब्लैक स्केच से ब्लू स्केच से डालेंगे। इंट्रोडक्शन, हाउ डज COVID-19 स्प्रेड, दूसरी हेडिंग हो गई सिम्टम, और प्रिवेंशन ऑफ COVID-19 कंक्लूजन, ये आप लोगों की इतनी हेडिंग हो गई। उसके बाद चलते हैं धीरे धीरे करके इन हेडिंग को आप लोगों को क्या करना है, डिटेल में बताना है। ओके, तो जैसा कि पहली हेडिंग आप लोगों की कौन सी है, इंट्रोडक्शन है ना। तो यहाँ पर जैसा कि क्या लिखा हुआ है, कोरोना वायरस विच इज कॉमनली कॉल्ड एज COVID-19, बिल्कुल COVID-19 बोला जाता है, इज एन इन्फेक्शंस, है ना, इन्फेक्शंस, और यहाँ पर इन्फेक्शंस लिखा हुआ है। ओके, इन्फेक्शंस डिजीज विच काजेज इलनेस इन द रिस्पायरेटरी सिस्टम इन द ह्यूमन्स, है ना। इट इज द न्यू वायरस दैट इज इम्पैक्टिंग द होल वर्ल्ड बैडली। आप लोग जानते होंगे बिल्कुल कोरोना वायरस को बहुत अच्छे से जानते होंगे, बैडली एज इट इज स्प्रेडिंग, है ना, प्राइमरली थ्रू कॉन्टैक्ट विद द पर्सन, ठीक है। COVID-19 वाज फर्स्ट आइडेंटिफाइड ड्यूरिंग दिसंबर 2019, है ना, इन वुहान सिटी ऑफ चाइना। इन मार्च 2020 या 2020 द वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन WHO जानते होंगे डिक्लेयर्ड द COVID-19 आउटब्रेक ऑफ पेंडेमिक, है ना, बिल्कुल। तो आप लोग एकदम अच्छे से जानते होंगे इसको, ठीक है। अगली हेडिंग जो आप लोगों की है वो क्या है, हाउ डज COVID-19 स्प्रेड, इट स्प्रेड्स फ्रॉम पर्सन टू पर्सन, है ना, इट स्प्रेड्स फ्रॉम पर्सन टू पर्सन एमंग दोज इन क्लोज कॉन्टैक्ट, ब्रैकेट में लिखेंगे, विद इन अबाउट 6 फीट आर 2 मीटर्स, ठीक है। द वायरस स्प्रेड्स बाई रिस्पायरेटरी ड्रॉपलेट्स, है ना, जनरेटेड फ्रॉम द कफ आर स्नीज ऑफ अ COVID-19 पेशेंट, ठीक है। तो ये आप लोगों का हो गया कैसे ये स्प्रेड होती, कैसे फैलती है COVID-19 फैले, है ना, तो आप लोग जानते होंगे बिल्कुल अच्छे से। आगे बढ़ते हैं तो इसके सिम्टम्स देखते हैं। तो COVID-19 सिम्टम्स कैन बी वेरी माइल्ड टू सर्व, सम पीपल हैव नो सिम्टम्स, द मोस्ट कॉमन सिम्टम्स आर फीवर, ड्राई कफ एंड ब्रीथिंग प्रॉब्लम, ठीक है। तो ये तो हो गए सिम्टम्स। आगे देखते हैं प्रिवेंशन ऑफ COVID-19 कैसे रोका जा सकता है, है ना, वॉश हैंड्स रेगुलरली विद सोप आर सैनिटाइजर, ठीक है, अवॉइड अननेसेसरली आउटिंग्स ऑन पब्लिक प्लेसेज, ठीक है, फिर मेंटेन अ डिस्टेंस ऑफ एटलीस्ट 5 to 6 feet फ्रॉम अ सिक पर्सन आर इफ समबडी हैज सिम्टम्स, ठीक है। फिर उसके बाद अवॉइड टचिंग योर आइज नोज एंड माउथ, है ना, वियर मास्क, तो आप लोग जानते होंगे ये सारी चीज़ें। कंक्लूजन में देखते हैं क्या होता है इसका कंक्लूजन, तो कोरोना वायरस इज वन ऑफ द मोस्ट सेवियर इश्यूज दैट आर फेसिंग बाय पीपल अराउंड द वर्ल्ड, इट इज नेसेसरी दैट वी कम आउट ऑफ दिस सिचुएशन एज अर्ली एज पॉसिबल, सो पीपल शुड स्टे इन्फॉर्म्ड एंड मेंटेन अ गुड हाइजीन, है ना, हाइजीन, टुगेदर वी ऑल कैन ब्रिंग एन एंड टू दिस पैंडमिक, है ना, सिंस द आउटब्रेक ऑफ दिस पैंडेमिक ऑलमोस्ट ऑल द कंट्रीज हैड बीन इन द रन ऑफ डिस्कवरिंग द वैक्सीन, ठीक है, फाइनली आवर कंट्री डिस्कवर्ड 2 टाइप्स ऑफ कोरोना वैक्सीन, है ना, पहली क्या थी,
कोवैक्सीन और दूसरी थी कोविडशील्ड। तो ये दो वैक्सीन मिल गई थी आप लोग जानते हैं और काफ़ी ज़्यादा कंट्रोल पाया गया है कोरोना वायरस पर। ठीक है, तो जैसा कि आप लोगों को कोरोना वायरस पर ये इससे कैसा लगा आप लोग मुझको कमेंट करके ज़रूर बताएंगे। और इसके बाद मैंने आप लोगों को मतलब कि 7 से 8 ऐसे आप लोगों को बताने हैं और आप लोगों के 10 नंबर कंप्लीट हो जाएंगे। ठीक है, धीरे धीरे करके मैं आप लोगों की यूपी बोर्ड की तैयारी करवा रहा हूँ। आप लोग बिल्कुल हेडेक नहीं लेंगे, आप लोगों का बोर्ड पेपर तक सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा और बिल्कुल अच्छे से आप लोग नंबर भी पाएंगे। ओके, चलिए चलते हैं। और वीडियो को लाइक नहीं किए तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और साथ में ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि ऐसे ही वीडियो के नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुँचते रहें। ओके, चलते हैं, धन्यवाद।